भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास में अब तक महज 6 बार ऐसे मौके आए हैं जब टीम इंडिया को 10 विकेटों से हार मिली है। नंबर 1, 10 जनवरी 1981 को पहली बार भारतीय टीम को वनडे क्रिकेट में 10 विकेटों से हार मिली। बेसन एंड हेड्स वर्ल्ड कप सीरीज में मेलबर्न में खेला गया मुकाबला बारिश के चलते 34-34 ओवर का कर दिया गया था। यहां भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 112 रन बनाए। जवाब में कीवी सलामी जोड़ी ने 29 ओवर में 113 रन की नाबाद साझेदारी कर न्यूजीलैंड को जीत दिला दी थी। नंबर 2, 5 मार्च 1997 को भारतीय टीम दूसरी बार 10 विकेट से हारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिजटाउन में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 199 रन बनाए। यहां स्टुअर्ट विलियम्स और चंद्रपाल ने 44.4 ओवर में 200 रन जड़कर विंडीज टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई। नंबर 3, 22 मार्च 2000 को एक बार फिर भारतीय टीम 10 विकेटों से हारी। इस बार प्रोटियाज टीम ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। यह मुकाबला शारजा में खेला गया। टीम इंडिया यहां पर 164 रन पर ही ऑल आउट हो गई। प्रोटीज सलामी जोड़ी गैरी कास्टन और हर्षल गिब्स ने 29.2 ओवर में ही भारत को शिकस्त दे दी थी। नंबर 4, 25 नवंबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका ने फिर से भारत को 10 विकेट से हराया। इस बार प्रोटीज गेंदबाज ने भारतीय टीम को कोलकाता में हुए वनडे मुकाबले में 188 रन पर ही समेट दिया। स्मिथ और एंड्रयू हॉल ने पहली विकेट के लिए बेहद आसानी से यहां 179 रन की साझेदारी कर भारतीय टीम को मात दी। नंबर 5, मुंबई में 14 जनवरी 2020 को हुए वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 255 रन बनाए, लेकिन वार्नर और फिंच ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक जड़ते हुए भारत को यहां 10 विकेट से हरा दिया था। ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें।